खुला है, संसार ने जब खुलाया द्वार द्वार आया, तो देह का संसार तो रुकी है नहीं आया है। संसार ने जब खुबराया तो द्वार तिहार आया, तो देह का संसार तो रुकी है लेकिन आत्मा का संसार संसार कहते हैं संग सार। संसार माने संपूर्ण सरति, जो संपूर्ण रूप से चलता ही रहता है, वो चलने वाला है संसार। ये 5000 वर्ष का ड्रामा, इसे संसार कहा जाता है। बाकी आत्मा का संसार तो परम धाम है, वहां संस्कृति नहीं होती है, सृष्टि नहीं होती है, सृजन नहीं होता है, होता है। इसलिए इस देह के संसार को ही संसार कहा जाता है। और संगदोष में नहीं आती, कौन सी आत्मा है? कोई आत्मा कौन सी है बताओ? एक शिव बाबा के अलावा उस दुनिया में कौन सी आत्मा है जो संगदोष में नहीं आती है? परसेंटेज 500 रुपये बात है, लेकिन अन्न दोष और संग दोष में ही आते हैं। और कोई आत्मा अन्न दोष में नहीं आती, एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जो अन्न दोष में ना आती हो। अन्न दोष में आती है, संग दोष में आती है, तब ही माया आक्रमण करती है। दूसरी बात है, शिव बाबा के अलावा कोई और भी आत्मा है जो संग दोष और अन्न दोष में नहीं आती है? शायद आप ही होंगे, आपको अनुभव होता है, बाकी किसी को अनुभव होता हो तो हाथ उठाए। बोलिए। हाँ है? आत्मा ये सयुग में सचिव द्वापर युग से पहले सयुग में दिखाया गया। द्वापर से शुरू होगा तभी त्रेता, त्रेता का अंत होगा तभी तो द्वापर शुरू होगा। ये त्रेता के अंत में देखा है, आपको लग रहा है लेकिन यही लगे ना कि त्रेता का अंत हुआ और द्वापर की शुरुआत हुई। तो चित्र बनाया है एक्यूरेट, एक सेकंड की बात है, वो एक सेकंड में इतना बड़ा चित्र कैसे दिखाया जाएगा? जो भैरव महाराज जी है, जो भैरव महाराज है, भैरव महाराज उन्हें दारू की चढ़ाई जाती है। ये रुद्रमाला के मणके हैं, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो रौद्र रूप धारण करने वाले भी हैं, विकराल रूप धारण करने वाले भी हैं, उनमें एक भैरव का भी नाम प्रसिद्ध है। भैरव अर्थात भयंकर, उनके कर्म भी भयंकर हैं। वो
भयंकर कर्म करने के लिए उनका खान पान सब भयंकर हो जाता है, और बाबा की याद से वो कंट्रोल भी करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं मिलिट्री वालों को कि कैंटीन में खाना पड़ता है, युद्ध में जाना पड़ता है, महीनों युद्ध चलता है, भोजन पहुंचता नहीं है, तो घोड़े को भी फाड़ करके खा जाते हैं। ये रूहानी मिलिट्री है, रूहानी तेज ऐसी तेज है जिसमें अगर कोई फिर हो जाए तो फिर बाप समान स्टेज पहुंचती है। ऐसी स्टेज में सारी दुनिया का भी हत्या करने वाला उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो ये खान पान महाकाली का, महाकाल का, भैरव का भयंकर दिखाया जाता है। जैसे एक मंदिर है भैरव महाराज का, तो उसको दारू चढ़ाई जाती है, लेकिन वो जाति का किसी को पता नहीं चलता, खुदाई भी करी उसकी काफी है, तो गायब का हो जाता है, जाता है और वहाँ चली जाती है पत्थर के लिए। यही है कि कोई की ज्ञान की तलवार में जौहर नहीं होता है याद का, और कोई की तलवार में बहुत जौहर होता है। एक बात कही तो कोई में ताकत नहीं जो उस बात को काट सके, मानना ही पड़ता है। तो ज्यादा वैल्यू हो गई ना, कोई की बात की कोई वैल्यू नहीं होती, बोलते रहो बकते रहो। जैसे आजकल अखबार है कितना कितना छापते हैं, क्या क्या छापते हैं, क्या दुनिया के ऊपर कोई असर पड़ता है? दुनिया बिगड़ती जा रही। ऐसा भी टाइम आवेगा कि बच्चों की ज्ञान तलवार में ऐसा दौर होगा कि एक बोल भी मुख से निकालेंगे, सारी दुनिया के लोग उस बोल को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वैल्यू हो गई ना। साक्षात्कार की चाबी है भक्तों को खुशी में लाने की चाबी। उसको कहाँ रखते हैं? वो कोई स्कूल चाबी हो रही है ऐसे स्वप्न है, कोई स्कूल की हो रही है ऐसे ही साक्षात्कार कोई स्कूल चीज नहीं है। ये अंदर से एक प्रकार की अल्पकाल की खुशी बैठ जाती है, जो खुशी धर्म से पैदा करा देती है, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं को नहीं, भक्त आत्माओं को, भावना वाली आत्माओं को। जैसे ब्रह्मा को साक्षात्कार हो गए तो उनको ऐसा पक्का निश्चय बैठ गया कि लंबे समय तक डटे रहे। और बाबा की आधार पर मतलब आत्माएं जाएगी याद में अगर टिक जावे
तो बहुत लास्ट तो फास्ट चला जाएगा, लास्ट में आने पर हर कल्प के अंत में साथी आत्मा वर्ष में से रहे, साथी आत्मा वर्ष में से रहते, बर्फ में शरीर सेफ रहता है, आत्मा नहीं सेफ रहती है। आदि में पुरुषार्थी शरीर की उत्पत्ति कैसे है? कल्प के आदि में पुरुषार्थी शरीर की उत्पत्ति कैसे? कल्पक का जब आदि होगा तो वहाँ पुरुषार्थ की जरूरत होगी कि आदि होने से पहले, कल्प का जब अंत होता है तामसी स्टेज होती है तब पुरुषार्थ की जरूरत होती है। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा का उत्थान के लिए कुछ करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो प्रयास की शुरुआत तमोप्रधान स्टेज में करेंगे या सत्युग नई दुनिया की शुरुआत में करेंगे? नई दुनिया की शुरुआत होगी तो 100% सोलह कला संपूर्ण स्टेज होगी, वहां पुरुषार्थ की दरकार है ही नहीं। जब तमो प्रधान बनती है दुनिया तब ही पुरुषार्थ की जरूरत होती है। बर्फ में जो शरीर दब जाएंगे उनका पुरुषार्थ पूरा हुआ, नेचर ही उनके शरीरों को पावन बना देगी। आत्मा को पावन बनाने के लिए ज्ञान चाहिए, शरीरों को पावन बनाने के लिए जाम जल चाहिए, बर्फ चाहिए। एक सेकंड का अंतर होता है नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच। पुरुषार्थ कब करेंगे? पुरानी दुनिया के अंत में करेंगे कि नई दुनिया के अंत में करेंगे? बस ज्ञान की चार अवस्था, ज्ञान की चार अवस्थाओं से गुजरता है ना, है? तो जिस नंबर वार के ऋतु वाला के मक्के हैं जिस नंबर से ज्ञान में आते हैं, यदि के आदि में उसी नंबर से आए होंगे ना, हाँ उसी नंबर से ही तो आत्मा सारी की सारी जैसे एक करोड़ आत्मा को समय से है, एक करोड़ आत्मा एक करोड़ तिहत्तर में जो मामले में लगा था, तिहत्तर में जो मेरा लगा था ना, हाँ जी, वहाँ एक करोड़ आत्माओं को संदेश मिला था। मेले में ना संदेश मिला था एक करोड़ को? मेला पहला जब दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में हुआ उस समय तक टोटल एक करोड़ आत्माओं को संदेश मिला, संदेश लेकर और त्याग कर तक। उस समय जो संदेश मिला, हाँ अभी जब दोबारा छिहत्तर से जो रुद्र वाला तैयार होती है बना ज्ञान में आ रहे हैं नंबर वाला, हाँ तो यदि के आदि में भी उसी नंबर से ही आदमी है ना, हाँ ऐसे तो प्रधान पीरियड में जो आत्मा ज्ञान में आती है कोई तो सामान्य स्टेज में आती है, पाँच हजार वर्ष का ड्रामा है,
उस ड्रामा में जो आत्मा पहले पहले परमधाम को करती है वो आत्मा उतनी ही श्रेष्ठ होती है, और जो जितना बाद में उतरेंगे उतने ही नीचे श्रेष्ठ की। यहाँ ज्ञान मार्ग में आत्मा की जानकारी में उतरते हैं, वहां रंगमंच पर उतरना होता है, और यहाँ आत्मा की जानकारी होती है। वो क्रम एक ही है, हीरो हीरोइन वाली आत्माएं होंगी तो वो पहले पहले ज्ञान में उतरेगी, बाद में दूसरी आत्माएं। मोटे ताजे चकाचक बनने के लिए खाते हैं, हैं? मक्खन सबको ही पचा पाएगा क्या? मक्खन वही पचा पाएगा इसका बुद्धरूपी पेट बहुत मजबूत हो, नहीं तो दस्त हो जाएंगे। बुद्धि को तालिम बनाने के लिए माताएं कृष्ण के मुंह में मक्खन देती हैं। माताएं कृष्ण बच्चे से बहुत प्यार करती है ना, उसको बहुत मक्खन खिलाती है। और जोर से बोलो बाहर बड़ा कहे बाबा की चौक में रहते हैं, करते हैं सब, कहते हैं हाँ मित्रों ना याद रहो मित्रों, इसलिए नहीं कि बाबा को तुम बच्चों की सेवा करनी है, इसलिए विसरो नहीं, और याद इसलिए नहीं रहो कि बाबा को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा, तुम पुरुषार्थ करोगे तुम पाओगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे नहीं पाओगे। बाबा को कोई मोह नहीं है, लगाव नहीं है, इसलिए लगाव किससे है ना होना है, है? एक क्यों बाबा दूसरा नारा सूर्यवंशी जो आत्मा है अलग अलग पाए है सबका पालना मिला है संस्कारों में क्या डिफरेंस है, सूर्यवंशी आत्मा है तीन प्रकार की आत्माओं में स्थापना पालना मिला है। हाँ चार आत्माओं हाँ यही अंतर है, स्थापना वाले जो आत्माएं हैं वो आत्माएं ऐसे हैं जैसे ब्रह्मा जैसी आत्मा है, सरस्वती जैसी आत्मा की स्थापना की विशेष संस्कार है। अगर पालना के भी हैं तो अव्वल नंबर के संस्कार पालना की नहीं है, द्वैत नंबर के संस्कार और विनाश के संस्कार जैसे है। और बिल्कुल ऐसा पाठ बजाने वाली जो आत्मा है उनके पालना की विशेष संस्कार स्थापना करने में ब्रह्मा सरस्वती जैसी तीव्र नहीं है, लेकिन जिनकी स्थापना हो चुकी है उनको बरकरार रखने के लिए उनकी पालना करने के लिए वो सिद्ध हस्त है, विनाश के संस्कार भी नहीं है। तीसरी वो आत्माएं हैं कि स्थापना के भी संस्कार तीव्र नहीं है, हैं
पालना के भी उतने संस्कार तीव्र नहीं है। जब तक कि पहली और दूसरी कैटेगरी की आत्माएं सहयोगी न बने, उनके सहयोगी बनने के बाद स्थापना और पालना के संस्कार तीव्र होते हैं, परंतु अगर वो दोनों प्रकार की आत्माएं सहयोगी न भी बने तो भी विनाश के संस्कार उनके परिपक्व हैं। अकेले ही सारा कार्य संपन्न करने में संशय है। हस्तदेव है, बहुत पावरफुल आत्मा है, आसुर है, आसुर पहले किसका जन्म हुआ? आसुरों का जन्म हुआ या देवताओं का जन्म हुआ? आसुरों का जन्म पहले। जिनका जन्म पहले होता है वो तो ज्यादा पावरफुल होते हैं, बड़े होते हैं। बाबा हमारे संकट के जो पहाड़ है वहाँ से नर्मदा नदी है, अमरकंटक पहाड़ की नर्मदा नदी निकली है। हाँ जी, तो पहाड़ यहाँ से ज्ञान गंगा जो है, सभी नदियाँ जो है माताओं के नाम से है, लेकिन नर्मदा जो है नर और मादा है। तो क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है वो रुद्रमाला से ऐसा माता है जो सब मणकों के बीच में माता के संस्कार ज्यादा धारण करने वाली है तो पुरुषत्व वाला मणका है। तो रुद्रमाला के जो भी मणके हैं वो सारे पुरुष संस्कार वाले हैं, सारे ही राजा बनने वाले हैं, लेकिन आखिरी मणका होने के कारण उनमें जो पौरुष का संस्कार है, पुरुष वृत्ति का, वो भी भरा हुआ है। रुद्रमाला का मणका होने के बावजूद भी भरा हुआ है, क्योंकि 108 मणकों में पहला मणका भी परम पुरुष के नजदीक है और लास्ट मणका भी उतना ही परम पुरुष के नजदीक है जितना सत्य मणका। पुरुषत्व के गुण उसमें होंगे या नहीं होंगे, पहले मणके को छोड़ करके बाकी और जितने भी मणके हैं उन मणकों के मुकाबले उस लास्ट मणके में पुरुषत्व के गुण ज्यादा होंगे या कम होंगे? क्यों कम होंगे? वो तो परम पुरुष के नजदीक है, कम क्यों होंगे? जब नजदीक हुआ पड़ा है तो कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे, 107 मणकों के मुकाबले ज्यादा होंगे, इसलिए वो नर भी है और मादा भी है। उसका नाम ही है अमरकंटक, अमर न मरने वाला, अब कंटक माने कांटा, ऐसा कांटा है कोई मार नहीं सकता उस कांटे को। साक्षात महाकाल भी आ जाए वो भी उसे मारेगा नहीं, वो तो उसे प्रेरणा देने वाला है। हसनों का संहार करो तो मारेगा क्यों? जो सूर्य और चंद्रमा वो भाई भाई है, भाई भाई है, और उनकी माँ ने उनको सलाम दिया है कि सूर्य हमेशा चलता चलते ही है, भाई भाई है। कैसे हैं भाई भाई हैं तो अम्मा बाप उनके कौन है? पूरी पूरी बात देखो, अधूरा अधूरा ना उठाओ, है टीवी को अच्छी तरह से देखो फिर उसके बाद। All right.
खा ले गया हमें राजयोग से विश्व की वार्ता ही मिलती है हाँ। ऐसा ऐसा लिखते रहेंगे तो उनको भी जन्म देकर हाँ ऐसा क्या राजयोग है जिससे सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर मिल जाती है जो हिटलर नेपोलियन मुसोलिनी को भी नहीं मिली वो भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके तो उनका लगाव बढ़ेगा ना राज्यों की तरफ उनको भी टेम्पटेशन आ देगा लालच आवेगी अभी ठीक है और सचिव में यही माने ब्रह्मा हाँ सचिव में यही नारायण था ब्रह्मा हाँ नहीं ये रंग बोल रहे हैं मुरली की तारीफ लिख करके लाओ नहीं तो मुरली ही लाओ फोटो स्टेट ले आओ हाँ सत्य में यही नारायण था इनके तन में आता हूँ इनके तो दो हो गए नहीं तो होना चाहिए इसके सत्य में तो नर नारायण होते ही नहीं है सत्य में तो ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल ही नारायण बनेगी वो नर नारायण कहाँ बनती है वो तो नर से प्रिंस बनती है बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई जो शिवाय नमः जहाँ आता है वो शिव वास्तव में एक ही सोल है जो सब बच्चों को नमन करती है झुकती है झुकता वो है जिसका मान मर्तबा पद नीचा होता है तो शिव बाप कोई पद मान मर्तबा नहीं लेते हैं इसलिए कहते हैं शिवाय नमः बच्चे कहते हैं शिवाय नमः लेकिन सुप्रीम सोल को नहीं कहते हैं इसको नमन करते हैं उस समय वो किसी तन में आकर के प्रवेश करता है और कल्याणकारी कार्य करता है तब उसका नाम पड़ता है शिव परम धाम में रह के कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होता तो जो सिर्फ कल्याणकारी कार्य करने वाला है और ऐसा कार्य करने के कारण उसका काम के आधार पर नाम शिव पड़ा है कोई अकल्याणकारी कार्य नहीं करता उस साकार में आए हुए निराकार को हम बच्चे शिवाय नमः कहते और जब आ जाता ओम नमः शिवाय तो शिव तीन मूर्तियों के द्वारा संसार का कल्याण करता है इसलिए ओम नमः शिवाय कहा जाता है मां तीन मूर्तियां हैं जिनके साथ आता है और अलग अलग कार्य कराता है तीनों के साथ इकट्ठा कार्य नहीं कराता ब्रह्मा के द्वारा शंकर के द्वारा फिर विष्णु के द्वारा उनमें एक मूर्ति ऐसी है जो सिर्फ कल्याणकारी अकल्याणकारी है ही नहीं
के कारण उस मूर्ति का नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है। शिवाय नमः और ओम नमो शिवाय अलग अलग बातें हो जाती है। ओम नमः शिवाय माने त्रिमूर्ति शिव को नमन, और शिवाय नमः माना सिर्फ एक आत्मा का कर्तव्य है कल्याण करने का। जिस तन के द्वारा कल्याण करती है उसका भी सदा काल का कारीगर नहीं है सदैव कल्याण करना। जो कभी अकल्याण भी करती है 84 जन्मों में, और कभी कल्याण भी करती है। और आत्मिक स्थिति में स्थिर होने वाली कितनी आत्माएं जो पिछाड़ी में निराकारी बन जाएंगी बाप समान है। जो बाप समान निराकारी स्टेज में पिछाड़ी में स्थिर हो जाएंगी धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगी, धर्मराज की सजाएं खा जाएं फिर बाप समान कहेंगे है। अजी है और ना बाप का नाम बाला करने वाली है फिर बदनाम करने वाली है है। तो बाप का नाम बाला करने वाली है कि बाप का नाम बदनाम करने वाली है। बाप के सामने बच्चा धर्मराज के झंडे खाए कोई कोर्ट में जाकर के उसको सजा सुनाई जाए तो बाप को अच्छा लगेगा है। विश्व के मालिक का बालक और ऐसे कर्म करता है जो सजा खा रहा है वो बाप समान कर्तव्य हुआ कहेंगे है? नहीं नहीं है। आप करते हैं वहाँ होता है क्या जो ज्ञान में नहीं है वो आप पूछ रहे हैं उनके पाप करते हैं क्या माने आप भी ऐसा कर रहे हैं शायद कर रहे होंगे तो क्यों पूछ रहे हैं। फायदा नहीं नुकसान होता है बिना समझे बिना जाने जो कुछ किया जाता है बिना सोचे समझे उसका अंजाम क्या होता है अच्छा होता है या बुरा क्योंकि नीचे गिरेंगे। कोई भी काम करने से पहले मनुष्य का काम है मन से सोच विचार करना। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी इनको मन नहीं काम करता है मन से सोच विचार नहीं करते हैं ये मन बुद्धि नहीं चलाते तो इनका काम नहीं है नई शक्ति बनाना से फायदा ही नहीं। और मनुष्य भी ऐसा ही बन जावे तो फायदे का काम करेगा या नुकसान का काम करेगा नुकसान ही होगा होता गया 2,500 साल क्या हुआ नीचे गिरना हुआ है। जो आधार मूर्त है
आधार मूर्तों में दो प्रकार के हैं, एक बीज में भी हैं और आधार भी हैं। और जो बारह जो बारह बीजू पाप में वो तो रुद्रमाला की हो गई, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। चंद्रवंशी में से जो बारह हैं, जो ब्रह्मा जैसी आत्माएं हैं, प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, वो सूक्ष्म में आधार है। हाँ, बारह का ग्रुप हुआ अकल सूर्यवंशियों का जो बीज रूप है, और बारह का ग्रुप हुआ जो उनमें प्रवेश करने वाले जो प्रवेश करने वाले हैं, वो आधारभूत होते हुए भी सूक्ष्म शरीरधारी सूक्ष्म में आधारभूत है। ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं सभी बच्चों में प्रवेश कर रही है। अभी बाप दादा जो है वो सब बच्चों में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो पहले मुरुख के संसार मिलेंगे, उसके बाद ही मतलब ये बाकी की जो मैं केवल इनकी बात कर रहा, जगदम्बा लक्ष्मी और जगदम्बा है चंद्रवंशियों की बीज। हाँ, और लक्ष्मी है चंद्रवंशियों में वो चंद्रवंशी जो अपने को बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं सूर्यवंश। जगदम्बा अपने को सूर्यवंश में कन्वर्ट नहीं कर पाती, वो पक्का बीज है चंद्रवंश का, उसका नंबर बाद में लगेगा। और जो कन्वर्ट कर लेते हैं उनका नंबर पहले लग जाता है। तो तीन कैटेगरी हो गई, एक है ऑटोमेटिक है सूर्यवंश कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा मेहनत होने की बात नहीं है, बाप का ज्ञान मिला और बस पक्के हो गए चल पड़े। उनको कन्वर्ट होने वाले हैं वो चंद्रवंशी तो हुए ना, तभी तो उनको कन्वर्ट होने की बात है। अगर पहले से ही सूर्यवंशी हो तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं। अगर कोई आत्मा काम विकार में गिरकर बाप के सन्मुख बड़े ही गर्व से बैठती है तो उस पर कोई बोझा नहीं चढ़ता है क्या? अरे इसमें भी जवाब देने में हाँ ना में कोई दे रहा क्या है? जरूर चढ़ेगा, और ही उन आत्माओं के मुकाबले ज्यादा चढ़ेगा जो काम विकार में गिरने के बाद बाबा को तुरंत बता देती है। के मुकाबले ज्यादा बोझा करेगा या कम करेगा? ज्यादा ही करेगा, उनके बाप की आंख में भी धूल झोंकती है और संगी साथियों की आंख में भी धूल झोंकती है। ऐसे हो जाते हैं जैसे सागर मंथन में देवताओं को अमृत पिलाया गया और बीच में कौन घुसकर बैठ गए?
राहु असुर साबित हो जाएंगे, राक्षस संप्रदाय साबित हो जाएंगे। तो मुरली में बोला है आगे चल करके ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाएंगी कि कोई भी बात कोई की छिपी रह नहीं सकेगी। जितना छिपा देंगे उतना और ज्यादा समाज और दुनिया के सामने वो बढ़ के आ जाएगी। यहाँ तक कि जिनके साथ विकार भोगे हैं वो ही मैदान में आकर के बोलने लग पड़ेगा, सारा ही भंडाखोर हो जाएगा। चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं, भक्तात्माओं को साक्षात्कार होते हैं। क्या ज्ञानी आत्माओं को साक्षात्कार नहीं होता है? ज्ञानी आत्मा माना रुद्रमाला के मन के, और भक्तात्मा माना विजयमाला के मन के अथवा भक्तमाला में आने वाले। पहले कौन सी माला बनेगी? एक है रुद्रमाला, दूसरी है विजयमाला, तीसरी है भक्तमाल। कौन सी माला पहले बनेगी है? रुद्रमाला पहले बनती है। माने आगे आगे जाते हैं, एडवांस में जाते हैं रुद्रमाला के मन की, माने ज्ञानी तू आत्माओं की माला। बाप को क्या प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे बिखेरी दिए। क्यों? क्योंकि बाप का जो वर्षा है उस वर्षे को वो ज्यादा कदर करते हैं। बाप का वर्षा क्या है? बाप परमधाम से आते हैं तो क्या लाते हैं? है? ज्ञान ही लाते। मैं तुम बच्चों के लिए तीरी पर बहस लाया हूँ, तीरी अर्थात हथेली पर स्वर्ग की सौगात लाया हूँ। तो क्या प्रैक्टिकल में कोई स्वर्ग की बनी बनाई दुनिया हाथ में आ जाती है? कौन सा वर्षा आ जाता है? बुद्ध रूपी हथेली में ज्ञान के आधार पर नई दुनिया का नक्शा हमारी बुद्धि में आ जाता है, और जिनकी बुद्धि में वो नक्शा आ जाता है वो पुरुषार्थ करते हैं। नई दुनिया में जाने के लिए प्रैक्टिकल जीवन, बाकी जिनकी बुद्धि में नहीं आता है लेकिन जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, अपवित्र राजाएं नहीं है जन्म जन्मांतर के, लेकिन जन्म जन्मांतर की भारत की रानियां हैं जिन्होंने पवित्रता को बहुत मान दिया है। वो ज्ञान में बल पीछी न हो लेकिन बुद्धि से पवित्र हैं, इसलिए ऐसी आत्माओं को बाप साक्षात्कार कराते रहते।
जब जब अवस्था खराब होती है उनको साक्षात्कार हो जाता है और खुशी में रमण करती रहती है। जो खुशी संगम युग की विशेष प्राप्ति है वो खुशी की प्राप्ति ज्ञान के आधार पर भी होती है और साक्षात्कार के आधार पर भी होती है। ये बोला कि जो साक्षात्कार करने वाली आत्माएं हैं वो पवित्र आत्माएं होने के कारण भले अंत में आती हैं ज्ञान में एडवांस में फिर भी लास्ट शो क्या होता है अंजाम फास्ट चली जाती है। ये वो भी कोई कम बात नहीं है ज्यादा सुखी कौन बनेंगे देह से सुख भोगे जाते हैं वो सुखों की प्राप्ति करने वाली आत्माएं विजयमाला की आत्माएं होंगी या रुद्रमाला की आत्माएं होंगी है? क्यों है प्योरिटी के आधार पर जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख और शांति हेल्थ और वेल्थ दोनों होती है तो सुख की प्राप्ति ज्यादा करेंगी और जो रुद्रमाला की आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर की अपवित्र आत्माएं हैं परंतु ज्ञानी तू आत्माएं हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं इसलिए वो आत्मा का वो सुख प्राप्त करते हैं जो अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। कोई आत्मा जन्म लेकर के ऐसे अच्छे कार्य करती है समाज के लिए देश के लिए परिवार के लिए कि जन्म जन्मांतर के लिए उनका नाम बाला हो जाता है हिस्ट्री में नाम बाला हो जाता है तो उसे आत्मा का सुख कहेंगे या देह का सुख कहेंगे है? आत्मा का सुख है देह का सुख भल नहीं है लेकिन अनेक जन्मों के लिए आत्मा संतुष्ट हो जाती है। ये परमपिता परमात्मा का वर्त है आत्म सुख और जो विश्वमाला है वो जन्म जन्मांतर का देह का सुख प्राप्त कराने वाली माला है। देह की प्राप्ति के आधार पर दुखी नहीं होंगे सुखी ही सुख प्राप्त करते रहेंगे। जो राजाएं बनने वाली आत्माएं हैं वो तो द्वापर कलयुग में कितने युद्ध संस्कारों से पसार होती रहती है जन्म जन्मांतर मारकाट लगी रहती है हिंसा में लिप्त रहती है देह का सुख मिलता है क्या है? देह का सुख नहीं मिलता आत्मा का सुख मिलता है।
हाँ, भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं, क्या ज्ञानी आत्माओं को साक्षात्कार नहीं होते? ज्ञानी आत्माओं को बुद्धि का साक्षात्कार होता है और भक्त आत्माओं को ऐसे स्वप्न होता है, ऐसे स्वप्न की बात ही अल्पकाल की खुशी का साक्षात्कार होता है। के काल महाकाल के बच्चों को क्या काल नहीं खाता है? अगर काल नहीं खाता है तो एडवांस वाली आत्माओं को शरीर क्यों छोड़ना पड़ता है बताओ? है किसी के पास जवाब? अरे इस जन्म में भक्ति के संस्कार ज्यादा हैं, वो कोई भक्ति का संस्कार 100% चढ़ जाता है सिर पर तो शरीर छोड़ना पड़ता है, अगला जन्म लेकर के फिर एडवांस में आवेंगे। अंजाम क्या होगा उस अगले जन्म में? उनको काल नहीं खा सकता, वो महाकाल के पक्के बच्चे बन जाएंगे। जैसे ज्ञानी तू आत्मा, राम वाली आत्मा इस जन्म में ज्ञानी तू आत्मा तो है, ये जी के आज में भी ज्ञानी तू आत्मा के है? नहीं कहेंगे तो काल खाता है या नहीं खाता है? काल खा लेता है। फिर अगले जन्म में? अगले जन्म में काल नहीं खा सकता। ऐसे और ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा में मोह के संस्कार थे या नहीं थे? लेकिन वो मोह के संस्कार इतने बढ़ गए कि बच्चे ने उनकी जान ले ली, तो भी गांधी जी के मुख से क्या निकला? का कल्याण हो, ऐसे असरों का कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता। ये न्याय नहीं है, अन्याय है। कोई आत्मा दो नाव में पैर रखे तो क्या होता है? दोनों टांगे गिर जावेंगी, मंदार में गिर जाएगा। ऐसे ही कोई आत्मा जान ले चुकी, उसे जानकारी है क्या कर्म करने से फायदा होगा और क्या कर्म करने से आत्मा का नुकसान होगा, फिर भी भक्ति मार्ग में चलती रहे अज्ञानियों की तरह, भक्ति मार्ग के तंत्र ग्रंथों को भी अपनाती रहे और ज्ञानियों के बीच में भी बैठी रहे, इधर भी मान मर्तबा लेती रहे और उधर भी मान मर्तबा लेती रहे, कहे दोनों हाथों में लट्टू। लिखा है
लौकिक दुनिया में कहा जाता है कि अभी भी आला और उदल में से आला वाली आत्मा जिंदा है, है? सदा अमर कौन है, है? अल्लाह या उदल? मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, सदा जिंदा कौन है? अल्लाह कहो, आला कहो, अलग कहो, वो जिंदा है। जो जिंदा है मरा नहीं है, उस अलफ में अल्लाह प्रवेश करता है और नई दुनिया की स्थापना करता है। जो पहला नंबर है वो आज में भी विष्णु रूप था और अंतिम जन्म में भी विष्णु रूप ही होता है। ये मरने वाली बात नहीं है। दुनिया में भी कहते हैं शंकर कभी मरता नहीं है, वो सदैव अमर है। तो ये मान्यता मात्र है, यह शरीर से जिंदा रहने वाली बात है, है? मान्यता है। मान्यता का मतलब ये हुआ कि भगवान ने आकर के जो धर्म स्थापन किया था, अल्लाह अव्वल दीन, तो धर्म की सुरक्षा में वो सदैव रक्षक की भांति रहा, खड़ा रहा। कभी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है प्रायः लोप, ये भी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता है, सर्वथा लोप नहीं होता। ऐसे ही ये मान्यता है। आला उदल की कथा दक्षिण भारत की है, दक्षिण भारत वालों में मन सुनाई जाती है या उत्तर भारत वालों में? है उत्तर भारत में सुनाई जाती है। तो कोई आला उदल हुए नहीं है हिस्ट्री में, कोई हिस्ट्री नहीं मिलती उनकी। पौराणिक कथाएं हैं, ऐसे ही आला उदल की भी एक लोक कथा चल रही है जो उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ऊंची गद्दी आला बैठे बादल तीन हाथ रह जाए। अरे वो है ही अल्लाह का पाठ। अल्लाह माने ऊंचा, ऊंची स्टेज वाला, उसके मुकाबले है उदल। क्या उसका दलबल बहुत बड़ा है या छोटा है? हैं? दलबल बहुत बड़ा है, उसकी सेना बहुत बड़ी है। जैसे हिस्ट्री में
आदिकाल की भारत की हिस्ट्री है, मैं चाणक्य और चंद्रगुप्त को दिखाया है। चंद्रगुप्त धनबल के साथ है या अकेला है? है धनबल के साथ है, सेना का नायक है। और चाणक्य हमेशा अपने को अकेला महसूस करता है। यज्ञ के आज ने भी बताया, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी होता है। बेसिक के आदि में भी ऐसा ही था, एडवांस के आदि में भी ऐसा ही होता है। और जब संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी उस समय भी ऐसे ही देखने में आएगा। एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ।